गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है कि आज है होली, होली की सभी को शुभकामनाएं। हमने तो होली मनानी नहीं थी, आपको पता ही है कि आशू की डेथ हो गई थी। पहले पिछली बार भी हमने नहीं होली मनाई, मम्मी की डेथ हो चुकी थी, इस बार आशू की हो चुकी थी, तो दिल नहीं करता ना, अभी वरीना भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो हमने होली नहीं मनाई। सर लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा मैंने कलर लगाया था, चलो उनके वहाँ होली खेलते हैं, भगवान जी है तो उनको जरा सी मैंने कलर लगा लिया था। वो भी कलर मैंने ही लेके आई थी, तो मैं रात को आई हूँ, मतलब हम 1:30-2 बजे के करीब घर में आए हैं, तो कलर था ही नहीं सुबह, तो मैंने डॉली को बोला थोड़ा सा कलर दे दे, तो उससे कलर लेके मैं लड्डू गोपाल जी को, मैं कहा चलो भगवान जी के साथ तो सगन करे थोड़ा सा, तो उनको मैंने, और टिक्का डॉली आई थी थोड़ा सा लगा के, कहती आपने नहीं लगाया, मैं कहीं कहते चलो जरा सा अब सगन कर लो। तो बस यही होली है थोड़ी बहुत, तो दिल नहीं कर रहा था निक्की का, घर में एक होली ना करे तो कोई भी नहीं कर सकता, खुद ही दिल नहीं करता। सुबह उड़ते ही मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि हम 5-6 दिन बाहर थे, आपको पता है ड्रेसेस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, और एक बार ड्रेस पहनने के बाद दोबारा पहनने का दिल नहीं करता, सारी अच्छी होती है तो धो के ही रखनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है वहाँ गर्मी भी बहुत थी, हम यहाँ पर आए हैं तो इतनी गर्मी नहीं थी, यहाँ तो हल्का सा हमारा पंखा चल रहा है, एसी तो चले नहीं है, मगर हमारे होटल में तो शिरडी में भी और मुंबई में भी दोनों जगह एसी चलते रहते थे, और होटलों में तो आपको पता पंखे होते ही नहीं है, बस सेंटर एसी होते हैं, वही एसी चलते रहते हैं। तो यहाँ आके रात को मुझे बहुत गर्मी लग रही, मैं पंखा तेज करा तो ये कहते इतना पंखा क्यों तेज करा है, मैं कहा वहाँ तो गर्मी थी यहाँ भी गर्मी, कहते यहाँ तो कोई गर्मी नहीं है, पर यहाँ के मौसम में वहाँ के मौसम में बहुत फ़र्क है, वहाँ बहुत गर्मी है, और सबसे बड़ी बात है वहाँ ट्रैफिक भी बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हम पहले दिन जब हम पहुँचे थे शिरडी से लेके मुंबई हमें 8 घंटे लगे थे, हम रात को पहुँचे थे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। फिर सैटरडे को भी थोड़ा कम था क्योंकि ऑफिस टाइम छुट्टी होती है, और संडे को कम था, आज मंडे है, आज भी वहाँ ट्रैफिक नहीं होगा, होली करके है नहीं होता इतना, बाकी ट्यूसडे से फिर वही है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, दिल्ली से भी ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ है, तभी तो सारे कहते हैं ये माया की नगरी है दिल्ली, बस लोग भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। अब दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, मगर दिल्ली से भी ज़्यादा वहाँ पर है। वहाँ पर जाके गाइस बहुत अच्छा लगा, विघ्नहर्ता के हम गए, बहुत अच्छा लगा, मुंबई बहुत अच्छी है, बस हम जो फिल्म सिटी गए थे वहाँ तो बहुत मज़ा आया था, वहाँ की सच्चाई गाइज मैं आपको सारी बताऊंगी, जो हम देखते हैं वो होता नहीं है, बहुत अलग है, बहुत अलग है, फिल्मी दुनिया बहुत अलग है। क्या कर रहे हो मैं? ये मुझे देख चद्दर रिसीव हुई है, कितनी सुंदर लग रही है, कितनी सुंदर है, मैंने तेरे कमरे में अभी भी बिछाई है और अपने कमरे में बिछाने जा रही थी। वाओ ये भी सुंदर है। हाँ रूप सागर हैंडलूम से फिटेड है। हाँ दोनों फिटेड है, मेरे को फिटेड चादरें पसंद आती है क्योंकि सही रहती है, ना निकलती है ना कुछ, देख अंदर आराम से देख कैसे फिट है, ये देख यहाँ से देख कैसे सारी फिटिंग रहती है। तो एक मैंने ये चादर मंगाई है। तो ये कहाँ से आई है? रूप सागर हैंडलूम से। रूप सागर हैंडलूम, हाँ वहाँ से आई है, बहुत अच्छी क्वालिटी है चादरों की। तो गाइस इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, आप भी मंगवा सकते हो, और बहुत ही रीजनेबल रेट में है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, कॉटन की है ये, ठंडी है, हाँ आराम से किसी भी साइज के तकियों पे आ जाएगा ना। हाँ पूरे मतलब की ये बड़ी है अभी तो, मेरे वाले बेड पे आराम से आ जाए। हाँ तो अच्छी है गाइज, आप भी मंगवा सकते, इनसे मंगवा सकते हो, गर्मी गर्मी आने वाली है, ठंडी ठंडी है, ठंडी ठंडी ऐसी अच्छी लगती है। एक चादर इस कलर की है गाइज, देखो ये भी बहुत सुंदर है, और जब मैंने चादरें मंगाई थी तो इसके अंदर ये लिखा था, देखो रूप सागर हैंडलूम, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, स्टे कनेक्टेड, कीप शॉपिंग, ये सागर, ये नंबर है इनका, ऐसे आया था गाइस, आप भी मंगा सकते हो, वाकई चादरें बहुत अच्छी है, और फिटी चादर तो वैसे भी टिकी ही रहती है। तो गाइस शिरडी से मैं जब शिरडी गई थी तो वहाँ जब भी कोई माथा टेकता है तो एक एक पैकेट ये शिरडी से मिलता है, ये वाला पैकेट है जो शिरडी से मिलता है, इसमें बूंदी होती है, तो मैं सबके लिए लेके आई थी, सबको एक एक प्रसाद, पसोनिया, डॉली, ये निक्की, मैं हो गई, जैसे सीमा, हेमा, सबके लिए एक एक पैकेट ये है गाइस, और एक एक लाई थी शनि देवता से, ये है नारियल की बर्फी, जो कि वहाँ से मतलब पैसे की खरीदनी पड़ती है, ये तो वहीं से हमें प्रसाद मिलता है, ये संस्थान वाले देते हैं प्रसाद, और ये हमें खरीदनी पड़ती है, तो ये सबके लिए लेके आई हूँ मैं, और सबके लिए एक ये देखो, ये सिद्धि विनायक का ये प्रसाद है, महाप्रसाद, ये भी सबको लड्डू मिलता है, जो भी दर्शन करता है बाहर करके आता है सबको लड्डू का प्रसाद मिलता है, ये सबको मैंने 3-3 पैकेट दिए हैं, और ये देखो ये विघ्नहर्ता जी लेके आई हूँ, जो वो ऑरेंज कलर के है वहाँ पर, सेम ऐसे है विघ्नहर्ता ये, और ये भी लेके आई,
तो मैं जिसको जो जैसे अब डॉली सोनिया निक्की को मैंने ये दिए हैं क्योंकि पिछली बार जब मैं शेडी गई थी तो मैंने विगन अल्ता उनके लिए लाई थी ऐसे ही व्हाइट कलर की थी। तो वो थे मंदिर में सबने रखे हुए थे तो मैंने सोचा इस बार मैं ये लेके चलती हूँ जब गोल्डी लेके आएगा ना विगन अल्ता तो ये गाड़ी में भी टांग सकते हैं या दरवाजे पे भी टांग सकते हैं तो ये मतलब काफी सारे पीस ये लेके आई थी काफी सारे मैं ये लेके आई थी तो ये तो पैक नहीं था ऐसे है मगर ये डब्बे में ऐसे पैक है तो अब आराम से इसको दे सकते हैं चलो बाद में डाल दूंगी और ये वहां से मैं लेके आई थी साई द्वारका माई शिरडी साई को चढ़ाए फूलों से बना मोगरा धूप ये धूप है सूखी धूप नहीं होती हाँ तो ये भी मैंने सोनिया डॉली वगैरह को सबको ये दिए है मैंने कहा चलो साई बाबा जी के है तो ये है सब ऐसे सबको मैंने रात को आते ही प्रसाद दे दिया था तो अच्छी बात है जितना प्रसाद बांट के खाओ उतना अच्छा है तो बाकी हेमा का रह गया है हेमा को मैं देने के लिए आज जा रही थी मैंने उसको बोला था मैं शाम को तेरे घर आती हूँ तो उसका फोन आया कि दीदी हम पूजा के घर जा रहे हैं तो मैं कोई बात नहीं कल दे देंगे पूजा कर गई उन्होंने बुलाया होगा ना होली के चक्कर में नहीं गई तो दोपहर को है होली खत्म हो चुकी थी वैसे चलो गेट टुगेदरिंग सारे सबकी छुट्टी होती है ऐसा दिन होता है जो सब घर में सारे घर में होते हैं गेट टुगेदरिंग होती है तो मन्नू ने कहा था मन्नू कहने लग पड़ा उनके मदर इन लॉ फादर इन लॉ सबने बोला कि आप आ जाओ काकू हेमा और फिर वो काकू हेमा और कमल तीनों दस साढ़े दस तक वापसी आ जाएगी तो आ जाएंगे जैसे भी होगा तो ये धूप है इसकी भी खुशबू बहुत अच्छी है तो बस ये सबको मैंने गाइस यही लेके आई थी मैं कहा मशीन में अभी बैठे हो वैसे बैठे तो रिलैक्स फील होने के लिए मैं गई सोनिया ना अभी वो देके गई है कड़ी अच्छा हाँ तो मैंने फिर ईशु को बोला मैं कहा थोड़े से चावल भी खा लेती हूँ साथ तो कड़ी चावल दे गया तो मैं कंचीरा कह रही हूँ टमाटर प्याज का मसाला बना दो वही बना दो साथ में फिर मैं को तो बहुत टेस्टी लगते हैं बहुत दिन से जब से तू वही है तो दालें सब्जियां खा रहा हूँ खाली चावल के साथ मसाला डालो ना समझ गई बहुत अच्छा रहता है तो कड़ी चावल तो ये मैंने ढक दिया है ठीक है जब खाओगे तो गर्म हो जाएगा ठंडी तो हो ही जाती है और कल पता है ना कि कल क्रिया पे भी जाना है तो कल दो से तीन ना मंदिर में क्रिया है अच्छा तो सोनिया डॉली मैं अच्छा तो जाएंगे आपको पता ही डेथ हुई है कन्नू का फोन आया था वो ये पूछ रहा था कि सब्जी क्या बनाई है कहते सब्जी क्या बनाई है मैं टमाटर प्याज का मसाला बना रही हूँ तो कहता पापा के लिए कब रोटी बनाओगे मैं थोड़ी देर में कहता फिर मैं भी आता हूँ अभी रोटी खाता हूँ मैं अच्छा ठीक है शाम को तो गया सुबह तो कन्नू हमारा होली नहीं वैसे भी कन्नू भी बाहर इस बार तो होली खेलने नहीं थी नहीं बच्चे तो देखो बच्चे तो कभी कभी बच्चे फ्रेंड सर्कल में चले जाते कन्नू बिल्कुल नहीं गया बिल्कुल रंग एक टिक्का नहीं लगा कन्नू तो बचपन से नहीं गया ना तो आज पूरा दिन सोया रहा शाम को उठा है शाम को उठा है अपना खाया पिया है उसने खा पी अपने बाहर होने से ले चलो ठीक है मैं बनाने जा रही हूँ मसाला वगैरह बना रहे फिर इकट्ठे इकट्ठे रोटी बना रहे इकट्ठे रोटी बना रहे कन्नूर भाई खाने का इकट्ठे खा लेंगे ठीक है चीना ये इसको क्या दिया रखा है हड्डियाँ शड्डियाँ अच्छा ये भी खा रही है क्या बातें कर रहे हो तुम रोड का माइक माइक वायरलेस माइक नहीं है हाँ अच्छा जो गोलू होने के पास है वो भी मेरे को जब वो बनाती हूँ ना मैं गो सेकंड वो मेरी वो नहीं बनती क्या बनाते हैं शॉर्ट्स तो लगा देते हैं मेरे को गोलू तूने चीना गोलू कह रही हूँ चीना तूने बताया इसको जो ये इतना प्रोग्राम देखता है क्या तारक मेहता का चश्मा एक तारक मेहता की कन्नू देखो तारक मेहता का ये पीरियड सही है ये तेरे को सारी सच्चाई बताएगी तारक मेहता के चश्मे की जो तू देखता है ना एक एक सीन देखता है तुझे तो पूरा नजर आता है गोकुल धाम के अंदर ही सारे वो कुछ भी नहीं है भाई वो सब कुछ जितना भी अंदर का शूट होता है सारा स्टूडियो होते हैं इनके एसी वाले कमरे हैं जो सारे दिखते हैं तो ये दिखाते हैं कि जैसे घर तेरे को पता है एक ही पुलिस स्टेशन है एक ही कोर्ट है एक ही सिटी हॉस्पिटल है एक ही मंदिर है हॉस्पिटल कब जाते हैं सीरियल में हॉस्पिटल नहीं जाते वो नहीं याद है हाथी एक बार गिरी एक हाथी पे पेड़ गिर गया था पेड़ हाँ वो रेस्टोरेंट के बाहर रेस्टोरेंट में वही था असली है वो रेस्टोरेंट एक ढाबा है
बना हुआ जो हर मूवीज में वही ढाबा होता है। हाँ। बस उसको आगे से पता क्या करते हैं, कहते हैं ढाबा एक ही है, वो ढाबे का रंग रूप चेंज कर देते हैं। कपिल शर्मा का भी होगा ना, कपिल शर्मा का शो होता है वो भी होता है। कपिल शर्मा के शो में लोगों को बुलाते हैं और लोगों को बुलाते हैं, सबको पैसे मिलते हैं। मत कर गन्नू, सबको पैसे मिलते हैं, लड़कों को मिलते हैं 500, लड़कियों को मिलते हैं 600। हाँ, उन्होंने बताया है। और मंदिर में, और मंदिर में बताया है, एक ही मंदिर है बस। मंदिर में क्या चाहिए, छह भिखारी जो बैठे हो, और दो चाहिए पुजारी, और बाकी छह भिखारी दो पुजारी, और बाकी क्या चाहिए जो बंदे शूटिंग कर रहे हैं। भगवान जी की नीड है तो भगवान जी आ जाएंगे, भगवान जी की अगर नीड नहीं है तो भगवान जी नहीं आएंगे। ऐसे बताइए, ये सच्चाई है, ये है बता, ये है असली सच्चाई। और कन्नू वहां पर जो सड़कें बनी है ना, वही कुल्लू मनाली है, वही शिमला है, वही सब कुछ है, वही दुबई है, कोई कहीं बाहर नहीं जाता। और उन्होंने बताया कि कैसे जो खड्डे में वो जाती हैं, टैक्सियां गिर जाती हैं, ट्रक गिर जाते हैं, कहते हैं सब क्रोमा से होता है। सब क्रोमा से। हाँ कन्नू कमाल है, वैसे कमाल है, जो हम देखते हैं ना वो नहीं है। और बार बार बोल रही थी मुंबई जाइयो फिल्म सिटी, और वो पता क्या कह रहे हैं, कहते हैं अगर तुम देख लोगे ना तो तुम दोबारा पिक्चर देखने का तुम्हारा दिल नहीं करेगा। मैं कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं, बारिश की आवाजें कैसे निकलती है पता है, बता चीना, चावल के दाने से, चावल के दाने ऐसे फेंकते है। हाँ देख ले, आज सच्चाई सारी तेरे सामने आ जाएगी कन्नू। वाकई जो दिखता है ना वो होता नहीं है। क्या बोल रही हूँ तेरे को, तो खाली सीरियल 10 मिनट का दिख रहा है ना, वो सीरियल 20 मिनट का दिखता है, और उस सीरियल में बहुत कुछ होता है। ये देख, वो देख चावल के दाने, ये देख, ये देख, ये देख, ये बारिश, बारिश। अब ये देख, ये देख, ये जो बाहर वो निकलते ना आवाज मुंह से निकालते हैं। हाँ सब कुछ एक्सपर्ट एक्सपर्ट बैठे हैं सब। हाँ ये जो हड्डी क्रैक की बात, पता है हड्डी क्रैक होती है ना जैसे, ये देख प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की बोतल से। हाँ फिर तू जाइयो फिल्म सिटी, 1100 रुपए की टिकट है। अरे मत कर भाई को, भाई को मत कर, भाई को मत कर। अच्छा मत, वो सोच रही तू इसकी हड्डी खा रहे उसको कैसे लगता है, हर डॉगी को लगता है। तो अब तू जाइयो फिल्म सिटी, तो वहाँ 1100 रुपए की टिकट है, अंदर 3-4 शो है, और बस तुझे लेके जाएगी। और तू विघ्न हर्ता के जा, हाजी अली के जा, हमको बहुत इंजॉयमेंट करके आया, तू भी करके आ, ठीक है? और आज का ब्लॉग तू एंड कर दे, बाय। ऐसे नहीं करते, इसको तो गाइस आता भी नहीं है, ऐसे बोला आज का गाइस हम ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर दो लाइक, कर दो फॉलो, शेयर करो, शेयर भी कर दो, हाँ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और मिलते हैं कल आपको एक नए ब्लॉग के साथ। ये अपना मस्त हुई पड़ी है, देख लो दोनों मस्त है दोनों, तुमने इनको वो लगा दिया, ठीक है वो क्या काम पे लगा दिया। हाँ एक घंटा लगता है। हाँ चलो मिलते हैं कल आपको एक नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर। मैंने भी शीशे पे खड़े होके बोल दिया।